पारिभाषिक शब्द और वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के अनुवाद की समस्या। ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का यह पाठ भारत सरकार की सुशासन चुनौतियां और अवसर कार्य योजना के अंतर्गत तैयार किया गया है। इससे अनुवाद का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकेगा, साथ ही अनुवाद और अनुवाद शिक्षण की पहुंच व्यापक और सर्वसुलभ होगी। प्लेटफॉर्म का विकास राजभाषा विभाग के निर्देश पर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा किया गया है। वर्तमान समय वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का समय है। भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण के इस दौर में प्रौद्योगिकी और बाजार नई वास्तविकता बनकर उभरे हैं। विज्ञान और तकनीक की पहुंच दुनिया के कोने कोने तक हो गई है। इसके साहित्य की मांग भी वैश्विक हुई है। परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का अनुवाद आज के दौर में बहुत आवश्यक हो गया है। किंतु वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का अनुवाद जितना जरूरी है, उतनी ही जटिल इसकी समस्याएं भी हैं। इस पाठ में हम इन्हीं समस्याओं और उनके निराकरण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य आम साहित्य से अलग होता है। यह पारिभाषिक शब्दों से रचा गया सूचनापरक और परिणामोन्मुख साहित्य होता है। इसकी भाषा एकार्थी और अभिधात्मक होती है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द पारिभाषिक होते हैं। इसी कारण से वे संरचना के स्तर पर पारदर्शी होते हैं और उनके अर्थ स्पष्ट और द्वंद्व रहित होते हैं। ऐसे शब्दों से निर्मित वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य अपने लक्ष्य और उद्देश्य में स्पष्ट और पारदर्शी होता है। वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन संकल्पनात्मक लेखन है। इसमें संकल्पनाओं, प्रयोगों और उनके परिणामों की अभिव्यक्ति होती है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य का अनुवाद करते समय अनुवादक को पारिभाषिक शब्दों से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि तकनीकी और सामान्य शब्दों के बीच अर्थ का अंतर ही वास्तविक अंतर होता है। सामान्य और साहित्यिक शब्दों का प्रयोग प्रयोजन और अभिप्राय के अनुसार अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों ही अर्थों में किया जाता है। किंतु वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के संदर्भ में ऐसा नहीं होता। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि पारिभाषिक शब्द आखिर होते कैसे हैं। पारिभाषिक शब्द संकल्पनात्मक होते हैं। इन टेक्निकल या तकनीकी शब्दों में कोई न कोई संकल्पना छिपी होती है। इनकी निश्चित परिभाषा होती है। इन्हें किसी विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान अथवा कला की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए निश्चित अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे परमाणु, ऊर्जा, क्षेत्रफल, प्रक्षेपण आदि। डॉक्टर रघुवीर के अनुसार पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वह पारिभाषिक हो जाते हैं, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वह साधारण शब्द होते हैं। इस तरह के पारिभाषिक शब्दों के तीन लक्षण स्पष्ट होते हैं। पारिभाषिक शब्द
सीमित अर्थबोध का द्योतक होता है। पारिभाषिक शब्द किसी विशिष्ट अर्थ का एकमात्र संवाहक होता है और पारिभाषिक शब्द अपनी अर्थगत विशेषता के चलते सामान्य शब्द से भिन्न होता है। क्योंकि पारिभाषिक शब्द सामान्य शब्द नहीं होता, इसलिए पारिभाषिक शब्द से कुछ अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, जैसे पारिभाषिक शब्द का अर्थ किसी विशेष ज्ञान अनुशासन में निश्चित और निर्धारित होना चाहिए। पारिभाषिक शब्द को स्वतः स्पष्ट और भ्रांति रहित होना चाहिए, उसे संकल्पना युक्त होना चाहिए। पारिभाषिक शब्द को एकार्थी और एकल होना चाहिए, अर्थात एक अर्थ का बोध कराने वाला एक ही शब्द होना चाहिए, इसमें पर्याय नहीं चलता। पारिभाषिक शब्द को भाषा की प्रकृति और उच्चारण प्रणाली के अनुरूप होना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि पारिभाषिक शब्द एक प्रयोजन मूलक भाषिक प्रतीक होता है, जो ज्ञान विशेष की अभिव्यक्ति के लिए विशेषज्ञ अथवा खोजकर्ता द्वारा निर्मित किया जाता है। इसीलिए इसके अनुवाद में समस्या आती है, क्योंकि ऐसे अनुवाद में सीधे संकल्पना का अंतरण नहीं होता, बल्कि संकल्पना की अभिव्यक्ति का अंतरण होता है। यह सायास और नियोजित होता है। यही कारण है कि पारिभाषिक शब्दों का अनुवाद शिथिल, अबोधगम्य और जटिल माना जाता है। पारिभाषिक शब्दों से युक्त वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के अनुवादक के लिए आवश्यक है कि अनुवादक विषय का जानकार हो और अनुवाद कार्य में दक्ष, सक्षम और समर्थ हो। वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य का अनुवाद करते समय अनुवादक को विषय और संदर्भ के अनुसार संबंधित शब्दावली में नियत पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। अनुवादक को वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की शब्दावली का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। वैज्ञानिक वे तकनीकी विषयों के शब्द का विज्ञान की प्रत्येक शाखा में अलग अर्थ हो सकता है। इसीलिए अनुवादक को इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सही अर्थ वाले शब्द का चयन करना चाहिए। वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के अनुवाद में दूसरी समस्या भाषा की होती है। वैज्ञानिक साहित्य लिखने वालों का ध्यान मुख्य रूप से विषय पर केंद्रित होता है। ऐसे में वैज्ञानिक साहित्य का शब्द संयोजन, वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति आदि में थोड़ी बहुत शिथिलता होती है। ऐसे साहित्य को पढ़ने वाले भी वैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञ ही होते हैं, इसलिए उनके बीच में शब्द संयोजन और वाक्य विन्यास कोई समस्या नहीं बनते। परंतु जब कभी ऐसे साहित्य का अनुवाद करना पड़ता है तो ये कमियां समस्याएं बन जाती हैं। ऐसे साहित्य का अनुवाद करते समय अनुवादक के लिए स्रोत भाषा के पाठ में निहित अर्थ और भाव को समझना जरूरी होता है। संगत और अच्छे अनुवाद के लिए वैज्ञानिक संकल्पनाओं की जानकारी आवश्यक है। इसके लिए वह किसी विषय विशेषज्ञ से संपर्क और संवाद कर सकते हैं। विषय की संकल्पनाओं को समझकर अनुवाद करने से अनुवाद सही और सहज होता है। वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का अनुवाद करते समय अनुवादक को
शब्दों के विषय सापेक्ष अर्थों के प्रति सावधान रहना चाहिए। यदि लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा के शब्दों का सही और सटीक पर्याय ना मिले तो मूल शब्दों को अपनाने और उनका लक्ष्य भाषा में लिप्यंतरण करने से नहीं हिचकना चाहिए। विश्व की सभी भाषाओं में यही व्यवहार चलता है और इसी से भाषा समृद्ध होती है। उदाहरण के लिए ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका शब्द रूसी भाषा के होकर भी आज दुनिया की सभी विकसित भाषाओं में अपना लिए गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी के पंडित, गुरु, योग, जंगल जैसे शब्द अंग्रेजी ने अपना लिए हैं। कभी कभी सूक्ष्म संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले पारिभाषिक शब्दों के लिए लक्ष्य भाषा में सटीक पर्याय नहीं मिलते। हर भाषा के पास विज्ञान की सभी संकल्पनाओं के लिए संकल्पनावाची शब्द नहीं होते हैं। ऐसे में दक्ष से दक्ष अनुवादक निरुपाय हो जाता है। तब उसके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो वह व्याख्यात्मक अनुवाद करे अथवा स्रोत भाषा के शब्दों को लक्ष्य भाषा में अंगीकार करते हुए अनुवाद करे, जैसे कैंसर, मैलिग्नेंसी, कार्सिनोमा, मेलनोमा आदि। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य में बहुत सी बातें सूत्रों और प्रतीक चिन्हों में निहित होती हैं। अनुवादक को उन्हें ज्यों का त्यों ले लेना चाहिए, जैसे H2O, H2SO4, अल्फा, बीटा, गामा, डिग्री, सेल्सियस, वॉट, मीटर, लीटर, मिलीग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, इन सभी शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा जाना चाहिए। वैज्ञानिक साहित्य में प्रयोग की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में किसी प्रकार का भाषांतरण अपेक्षित नहीं होता, जैसे मलेरिया, चेचक, प्लेग, सुनामी, हरिकेन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। विज्ञान के संक्षिप्त रूपों या एब्रिविएशंस का भी भाषांतरण नहीं किया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के अनुवाद की समस्याएं जटिल और गंभीर हैं, किंतु यह इतनी विकट और गंभीर भी नहीं है कि इनका निराकरण नहीं हो सकता। संकल्प के साथ यदि सार्थक प्रयास किए जाएं, तो थोड़े समय में ही स्थिति बदल सकती है। संकल्प इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना मानसिकता नहीं बदलती, और जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, अंग्रेजी का वर्चस्व कायम रहेगा। वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के अनुवाद की समस्या को विषय के सांगोपांग अध्ययन और सम्यक ज्ञान से हल किया जा सकता है।